अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑरेंज अपसाइड डाउन केक। तो इसके लिए मैंने, आप देख सकते हैं कि ऑरेंज जो है इस तरह से थिन स्लाइसेस में कटिंग कर लिए थे। इसके साथ 1/4 कप जो है ऑरेंज जूस लिया है, 1/4 कप बटर लिया है मेल्टेड, 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है ऑरेंज जूस लिया है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है आधा कप पानी डाला है पैन में, 1 टेबल स्पून जो है वो बटर डाला था, 1/4 कप जो है इसमें शुगर ऐड की थी। अब हमने अभी इसको इतनी देर तक पकाना है कि शुगर जो है मेल्ट हो जाए। इसके साथ ही मैंने दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और 1 टीस्पून जो है इसमें ऑरेंज जेस्ट भी ऐड कर दिया है। ये देखिए, अब इसमें शुगर जो है आप देख सकते हैं मेल्ट हो गया है। इस स्टेज पर हमने जो है ऑरेंज स्लाइसेस को इस तरह से इसमें रखते जाने हैं। अब हमने इसको 5 से 8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढक्कन ढक के रख देना है। यहाँ पर मैंने 2 अदद रूम टेम्परेचर पर एग्स लिए हैं। इसमें मैंने 1/2 कप जो है चीनी डाल दी है, 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाला है, 1/4 कप मेल्टेड बटर डाला है। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना है। आप लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑरेंज एसेंस ऐड कर रही हूँ, इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स। आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें ऑरेंज जेस्ट ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया था। उसको अच्छे तरीके से छान के एग के बैटर में मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही इसमें 1/4 कप ऑरेंज जूस भी ऐड कर देना है। ये देखिए, अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया था और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है मैंने केक मोल्ड लिया था, उसमें बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लिया था। और ये जो ऑरेंज के स्लाइसेस हैं इनको मैंने इस तरह से रखते जाना है मोल्ड में। ये देखिए, इस तरह से मैंने जो है केक के मोल्ड में इनको इस तरह से रख दिया। इसके बाद मैंने केक का बैटर जो है इसके ऊपर डाल देना है। अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 दफ़ा डैब कर लेना है। अब मैं इसको ओवन में बेक कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज केक बेक होकर तैयार हो चुका है। इसको मैंने प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक किया था। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो आपने स्टैंडर्ड के 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उसको जो है वो प्री हीट कर लेना है। उसके बाद 30 से 35 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर बेक कर लेना है। आप देख सकते हैं अपसाइड डाउन ऑरेंज केक जो है कितना मज़े का लग रहा है। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि आप लोग इसे 1 हफ़्ता भी रखेंगे तो ये उतना ही सॉफ्ट रहेगा और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी होता है। आप लोग इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।